हैदराबाद में संदिग्धों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। एनआईए ने हिरासत में लिए 11 संदिग्ध। ओल्ड सिटी से भारी मात्रा में विस्फोटक हथियार और करेंसी बरामद। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में 60 से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ की आशंका। सुरक्षा एजेंसियों को मिला सुराग। सीमा पार से सुरक्षा बलों को टारगेट बनाने के निर्देश। 24 घंटे मॉल्स और रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में सरकार। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी संभव। बड़ा सवाल, क्या जनता की जेब में शॉपिंग के हैं पैसे? यूपी के ग्रेटर नोएडा में नीतीश कुमार की रैली आज। नशा मुक्ति आंदोलन में लेंगे हिस्सा। शराबबंदी के जरिए अखिलेश सरकार को घेरने की होगी कोशिश। बिल्डर्स की मनमानी पर लगेगी लगाम। सरकार ने रियल एस्टेट के लिए ड्राफ्ट किया रूल। फ्लैट के पोजीशन में देरी पर बिल्डर्स को 11.2% की दर से देना पड़ेगा ब्याज। तेलंगाना में 11 जजों के निलंबन पर। छुट्टी पर गए 200 जज। हैदराबाद हाईकोर्ट ने अनुशासनहीनता के आरोप में की थी कार्रवाई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी। सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से भी ज्यादा बढ़ सकती है तनख्वाह। बैठक में मिल सकती है मंजूरी। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे होंगे मुश्किल भरे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट।